You all and good morning to all of you. We are to begin with the new chapter today. We will start with gravitation. So let us begin. Gravitation. Bitte, regarding this chapter gravitation, in the beginning, we must be knowing that what do we mean by gravitation? Gravitation and gravity, beta. Sir. Gravitation or gravity mein. Sir. Yes, beta. So set B ke answer ki. सेट बी बेटे मेरे पास प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है. व्हेन यू विल बी कमिंग वी विल डिस्कस इट. अभी मेरे पास पेपर नहीं था इसलिए मैंने नहीं बोला आपको, अदरवाइज मैंने कर देना. ठीक है बेटे. ओके सर. इसमें बेटे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, ये दोनों कंसेप्ट बेटा अलग अलग कैसे हैं और इनका एक दूसरे के साथ मैच क्या है, लिंक क्या है, इस सारे के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. देन वी विल बी बिगनिंग विद द एक्चुअल डिस्कशन. बेटे जब हम बेटे ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से दैट कि कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अगर प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में, इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मे बी वन प्लैनेट और एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मे बी अनदर प्लैनेट. बेटा इन प्लैनेट्स के बीच में सेंटर टू सेंटर, मैं रिपीट करूंगा, एक प्लैनेट के सेंटर से लेकर दूसरे प्लैनेट के सेंटर तक इनमें जो सेपरेशन है इसको हमने बेटा मान लीजिए स्मॉल आर कह दिया, जैसे आप लोअर क्लासेस में कहा करते थे. यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें, इनके बीच में एक वीक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट किया करता है और आप इसको जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा भी करते हो. इट विल मीन दैट बेटा कि आपका जो ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है. और अगर हम बात करें ग्रेविटी की तो दिस इज विथ द फिनोमिना रिलेटेड टू द अर्थ. इमेजिन कर लीजिए ये आपका अपना प्लेनेट बेटे अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेस कर रखा है. तो हमारे पास यहाँ पे जो दो ये प्लेनेट्स थे उनके कंपैरेटिवली इस केस में हमारे पास दो जो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं उनमें एक तो हमारा अपना प्लेनेट अर्थ है और एक आप कोई भी और ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इनके बीच में भी एक जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एग्जिस्ट किया करता है. जैसे प्रेजेंटली जिस भी प्लेस पे आप बैठे हैं आपके ऊपर एक अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है और उसी की वजह से हम बेटे उस पर्टिकुलर पोजिशन पर जो है वो प्रेजेंट पड़े हैं. तो इट विल मीन दैट कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल एम मास का है तो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स रादर एग्जिस्ट करेगा और वो जो फोर्स होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कंपैरेटिवली अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मैं सिंपली यही कहूंगा कि यूनिवर्स में कोई भी दो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मे बी प्लैनेट्स हो जाए या कोई और ऑब्जेक्ट हो जाए, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है या अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है इसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशन. इन दो प्लैनेट्स में अगर आपका एक प्लैनेट अर्थ है और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी और प्लैनेट को जैसे मून है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, देन दैट वी मे कॉल एज द ग्रेविटी. बेटा सो ग्रेविटी इज द कंसेप्ट एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर प्लेनेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन ऑफ द
अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट बेटा। और अदरवाइज अगर आप ग्रेविटेशन की बात करोगे तो ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, ये आपको पूरे यूनिवर्स में, चाहे यूनिवर्स के एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे एंड पे प्रेजेंट है, तो भी उनके बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट फोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन बेटा। अब इन दोनों को थोड़ा बेटे हम एनालिटिकल वे में स्टडी करने के लिए डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये दोनों क्या है और हम बेटा इन फोर्सेस के साथ कैसे डील कर सकते हैं बेटा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेटा एक बात हो गई, साथ ही साथ इसके बेटा हम बात करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी। इन दोनों को बेटे मैं यहां पे चीजों को लेके चलूंगा साथ साथ। इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेटे प्रेजेंट है, इस प्लेस पे प्रेजेंट है, और हमने इसका ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम बोल दिया, और यहाँ पे हमारे पास बेटे स्टिल एक और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसका मास हमने बोल दिया स्मॉल एम टू, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर से लेकर अगले ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है इसको हमने स्मॉल आर इमेजिन कर लीजिए कह दिया। जो लाइन इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन के अलोंग इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन एम एम कह दो आप, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, इन मासेस का प्रोडक्ट हो गया, एंड इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिटे। इनको अगर दोनों को बेटा मैं कंबाइन कर लू रिलेशनशिप्स को, एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड स्मॉल एम अपॉन आर का स्केयर बेटा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें, तो वी यूजुअली गेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट वी कॉल एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट इज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम अपॉन आर का स्केयर बेटा। ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स है बेटा। अब बात करने वाली ये कि इसको हम थ्योरी की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन से दैट बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द टू द एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द अट्रैक्टिव फोर्स एंड द अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of the object, of their masses, and inversely proportional to the proportional to
the square of distance between their centers beta. तो यही चीज को हम बेटे मैथमेटिकल फॉर्म में अभी अभी प्रेजेंटली लिख के हटे हैं कि ये जो फोर्स है इन ऑब्जेक्ट के मासेस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, इनके प्रोडक्ट पर, इनवर्सली इनके बीच में, सेंटर्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंडेंट रहती है। तो अगर हम बात करें बेटे अब इस थोड़ा सा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में, व्हाट डू वी मीन बाई दिस कैपिटल जी, और कैपिटल जी के बारे में और इंफॉर्मेशन हम बेटे कैसे गैदर कर सकते हैं, लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट कैपिटल जी बेटे। इस रिलेशनशिप को डायरेक्टली उठा रहा हूं बेटा मैं, एफ इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्केयर, हमने कहा है ऑलरेडी आप कर चुके हो। यहाँ पे सारी टर्म्स की एडजस्टमेंट कर दीजिए ताकि आपका कैपिटल जी लेफ्ट साइड पे रह जाए। तो कैपिटल जी आपके पास आ जाएगा, ये इस तरफ एडजस्ट हो जाएगा, एफ इंटू आर स्केयर अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये आपके पास बेटे कैपिटल जी का मैथमेटिकल फॉर्म में आपको रिलेशनशिप मिल जाता है। कई बार हमें कैपिटल जी इसके यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैं लिखूंगा प्रेजेंटली। तो कैपिटल जी के यूनिट्स के बारे में अगर जाने, फोर्स आपका एसआई सिस्टम में बच्चों न्यूटन में होता है, डिस्टेंस आपका बेटे मीटर्स में होगा तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, मास किलोग्राम में, और दो बार आपका मास डिनोमिनेटर में आया है तो इट विल बी किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय अगेन किलोग्राम, तो ये केजी स्क्वायर आ जाएगा। तो कैपिटल जी जो है इट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू, ये आपके पास बेटे कैपिटल जी के यूनिट्स आ जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज मस्ट, इट मस्ट बी नोन टू अस, 6.67 10 रेज पर माइनस 11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो इन द नटशेल कैपिटल जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बार 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 हमें इसकी बच्चों जरूरत पड़ेगी, इट मस्ट बी नोन टू यू, 6.67 10 रेज पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू। तो ये चीज जो है आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, वी विल बी यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली और इसकी न्यूमेरिकल्स में बहुत आपको जरूरत पड़ेगी बेटा। अब बेटे इन कनेक्शन विद दिस बेटे हम थोड़ी बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और किस तरीके से हम बेटे इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आई हैव दिस वेस्ट पीस ऑफ चौक विद मी बेटा, इस पीस ऑफ चौक को अगर मैं ड्रॉप कर दूं यहां से तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर से देखिएगा एक्टिविटी को, इसको मैंने प्रेजेंटली यहां पे अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। इनिशियली इट इज एट रेस्ट, यू इज जीरो, द मोमेंट आई ड्रॉप इट, आई जस्ट रिमूव माई फिंगर्स फ्रॉम द सर्फिस ऑफ दिस पीस ऑफ चौक, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस पीस ऑफ चौक को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हमें भी करके रखा हुआ है उसने अट्रैक्ट, इसीलिए हम अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट में हैं, अदरवाइज वी मे बी फ्लाइंग इन द एयर इफ वी आर नॉट एट द सर्फिस ऑफ द अर्थ बट ऑन द सर्फिस ऑफ द मून। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बड़ी कम है, थोड़ी है, छोटी है न्यूमेरिकल वैल्यू, आप जानते भी होंगे। सो इनिशियली आपका चौक का पीस बेटे रेस्ट पे था आपने देखा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ है। इट विल मीन दैट कि जब आपने चौक के पीस को ड्रॉप किया, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मैं वेलोसिटी टर्म क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ओनली, अर्थ की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होने की वजह से मैंने वेलोसिटी टर्म यूज की है। इनिशियली आपका चौक का पीस रेस्ट पे था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रही, इट विल मीन दैट कि बिकॉज यू तो आपका जीरो है, अब वी आपका जीरो नहीं है, तो मोशन मस्ट बी एक्सेलरेटेड मोशन और आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा।
ये जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है आपकी पीस ऑफ चौक के बीच में, इस चौक के पीस ऑफ चौक में जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, बिकॉज ये एक्सेलरेशन जो है इट हैज बीन क्रिएटेड, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स बेटा सेंटर। आइए थोड़ी बात करके देखें बेटा, ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटे, इसमें आपने अपना प्लेनेट अर्थ चूज किया और अर्थ की सरफेस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बच्चों प्लेस कर रखा है, यहाँ पे स्मॉल एम इसका मास है, ये ओ सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, डिस्टेंस इनके बीच में सेंटर्स के बीच में प्रैक्टिकली आ ही रहेगा। अर्थ के सेंटर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो फोर्स एफ है विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एम जी के बराबर है। जी कहां से आ गया, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ का रिजल्ट हमने ये डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, तो ए आपका बिकॉज जी के बराबर है तो मैंने ए की जगह पे ये स्मॉल जी लिख दिया। सो बेटे जिस फोर्स के साथ आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज इक्वल टू एम इन टू जी बेटे। तो अब जी, स्मॉल जी जो है इसकी फिक्स्ड वैल्यू जो है वो कितनी है, स्मॉल जी की एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा। मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, स्मॉल जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, दिस इज द एवरेज वैल्यू। अर्थ की सरफेस पे आप जानते हैं पोल्स और इक्वेटर्स का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है और उसकी वजह से जी की वैल्यू बेटे ये इक्वेटर हो गया आपका, ये पोल्स हो गए, इन दोनों प्लेसेस पे जी की वैल्यूज भी अलग अलग हैं। हमने क्या किया, जितनी भी प्लेसेस अर्थ पे पॉसिबल थी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वहां पे जी निकाला, उनका सबकी जी की वैल्यूज का मीन लिया और ये आपके पास बेटे एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ जी है। बार बार एवरेज नहीं लिखा जाएगा, we will be just writing that it as a small g, so that will automatically indicate ki aapne average value of acceleration due to gravity consider kiya hai. So in this way beta aapka jo object hai ye earth ke center ki taraf attracted rehta hai, numerical value aapne iski note kar li hai, average ye iske sath hi units aapke paas nikal aate hain। अब बेटे बात आ जाती है कि हम स्मॉल जी को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये, तो आइए थोड़ा बात करके देखिए इन टर्म्स में बेटा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है, अर्थ का सेंटर हो गया, ये आपने ओ पॉइंट बोल दिया, सेंटर को ओ बोल दिया, ये आपके अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर है। हम जनरली अर्थ को बेटे अपनी कैलकुलेशंस के लिए स्फेरिकल बॉडी इमेजिन कर लेते हैं, बट थोड़ा सा ये फ्लैटेंड होता है, इसका पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस से 21 किलोमीटर छोटा है, कम है, ये वाला रेडियस, ये वाला इससे 21 किलोमीटर अलग है, कम है। सो आइए देखें थोड़ी बात करके स्मॉल जी के बारे में कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं बेटा। यहां पे अर्थ की सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसका मास स्मॉल एम है, यहां पे कैपिटल एम मास वाला आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक एग्जिस्ट करता है, दैट इज वेल नोन टू अस, और उसको आप न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, बड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है,
अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा रेडियस है। अगर आप अर्थ की सरफेस पे एक फुटबॉल रख दोगे तो फुटबॉल का रेडियस फ्यू सेंटीमीटर्स होगा, तो प्रैक्टिकली डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही रहेगा। तो आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वन बेटा। अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट किए हुए हैं, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो दिस इज ऑल्सो वेल नोन टू अस बेटा। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को बेटा सिंपली कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एम जी इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर बेटा, स्मॉल एम आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड स्मॉल जी जो है कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर आपको मिल जाएगी। तो ये कैपिटल जी के लिए आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा और फोकस करो, स्मॉल जी एक तो ये तो चलिए कांस्टेंट ही है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड किया, मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड किया। सेकेंडली ये रेडियस ऑफ द अर्थ जो है इस पे भी स्केयर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जो है ये बच्चों डिपेंडेंट है। इस यहां से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से ये साबित हो जाती है बात कि अगर मास ज्यादा होगा जी ज्यादा हो जाएगा, अगर रेडियस बड़ा है मास नहीं बदलना चाहिए, मास उतना ही अगर रहे रेडियस बड़ा हो जाए तो जी कम हो जाएगा। सो इन दिस वे बेटा हम इन फैक्टर्स को पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज ऑल, आइए थोड़ी सी बात करके देखें। यहां से हम बेटे कई बार हमें मास ऑफ द अर्थ निकालना पड़ जाता है और डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी निकालना पड़ जाता है। आइए जरा बेटा ये कैलकुलेशन भी परफॉर्म करके देख लें, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ एंड बेटे डेंसिटी ऑफ द अर्थ, या टू एस्टीमेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ बेटे। मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ को कैसे एस्टीमेट किया जा सकता है, आइए इस बात पे कंसंट्रेट करके देखें। स्मॉल जी ये जी एम अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर है। आपने क्या दिया, आर स्क्वायर को इस तरफ एडजस्ट किया, मास ऑफ द अर्थ आपके पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी बेटा, ये चीज बन गई। अब देखिए जी आपको पता है एवरेज वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इज वेल नोन फिगर विद यू बेटा, और कैपिटल जी आपने निकाल लिया है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू, रेडियस 6.4, 10^6 मीटर्स, 6400 किलोमीटर के मीटर बना लिए एंड कैपिटल जी 6.67, 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी -2, दिस इज अगेन वेल नोन टू यू बेटा। ये सारी वैल्यूज को हम बेटे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आपने भूलना नहीं है रिजल्ट, किसी भी स्टूडेंट ने आपके पास जो ये मास आ जाएगा इट विल बी 9.8 एंड 6.4 इंटू 10^6 का स्क्वेयर एंड इन द डिनोमिनेटर 6.67 10^-11 किलोग्राम में मास आपको मिलेगा बेटा। और जब आप ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लोगे आपके पास 6.0 10^24 kg आपको आफ्टर द कैलकुलेशंस मास मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द अर्थ को आपने कभी भी नहीं भूलना, याद रखना है बेटे। अब हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आ जाता है जी डेंसिटी का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अर्थ की डेंसिटी तो सेम होती नहीं है। आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि अर्थ को जी हम तीन लेयर्स में इमेजिन करते हैं, पहला क्रस्ट होता है ऊपर वाला, मिडल वाला मेंटल आप शायद बोलते हो और सेंटर वाले को कोर बोल देते हो।
और कोर में भी दो लेयर्स आप काउंट करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, उनमें भी अलग अलग डेंसिटीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की डेंसिटी की एज सच बात करना तो इररेलेवेंट हो गया, लेकिन जो प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं अर्थ की डेंसिटी की, इट इज एवरेज डेंसिटी बेटा, क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, अलग अलग डेंसिटीज को निकालकर उनका सबका बेटे एवरेज वैल्यू ले लिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि हमारी अर्थ की डेंसिटी आ गई, लूजली स्पीकिंग। सो अदरवाइज अर्थ की क्रस्ट की डेंसिटी सबसे कम होती है, मेंटल की उससे ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा कोर डेंसिटी पोजेस करता है। सो ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा देखिए फिर से, स्मॉल जी आपके पास था जी एम अपॉन आर का स्केयर, और बच्चों आपको पता है जो डेंसिटी रो है, डेंसिटी को आप रो से डिनोट किया करते हो, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ करता है, मास कैपिटल एम ही रह जाएगा, वॉल्यूम आपका जो है ये 4/3 πr³, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अपने बेटा कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए अर्थ को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अदरवाइज भी आपका जो इक्वेटोरियल रेडियस है 21 किलोमीटर बड़ा है इन कंपैरिजन टू द पोलर रेडियस। अगर हम कंपेयर करें 6400 के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर को, तो नेग्लिजिबल फैक्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है नहीं ये, तो हम ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी ले सकते हैं इसको। सो डियर चिल्ड्रन, अब आप जब ये इसको रीराइट करोगे, डेंसिटी बन गया मास अपॉन 4/3 πr³ बेटा, और मास आपके पास आ गया जी रो इंटू 4/3 πr³। ये मास ऑफ द अर्थ को आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको मैं ऐसे स्टार सा डाल देता हूं, आपको थोड़ा याद रह जाएगा जी। फिर आपके पास बन गया जी कैपिटल अपॉन आर का स्केयर, मास आ गया रो इंटू 4/3 एंड पाई आर का क्यूब बेटा। तो ये आर की डबल पावर है, ये 3 पावर है, जरा देखिएगा क्या ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है, -2 किया जा सकता है ना बेटा, डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा ना बेटे, एंड वी आर लेफ्ट विद जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 πr एंड कैपिटल आर। तो बेटे आपको तो रो चाहिए, बाकी सारे फैक्टर्स की आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, रो विल बी इक्वल टू 3g/4 G(π)r, ये आपके पास बेटे डेंसिटी ऑफ द अर्थ के लिए फॉर्मूला बन जाता है। और डियर चिल्ड्रन, वैल्यूज आपको अगेन नोन है सारी की सारी, हम सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो है हमें मिल जाएगा बेटे। आइए इसको कैलकुलेट करके देखें बेटा, एंड देखें कि कितनी डेंसिटी बन जाती है। लेट अस बेटे कंसंट्रेट, रो बन गया 3, एवरेज वैल्यू 9.8 है, 4 एज सच, कैपिटल जी 6.67, 10^-11, पाई आपका 22/7 कर लो या 3.14 कर लो, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10^6 meters, सारी वैल्यूज आपको बताएं आपने पुट कर दी। और बेटे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज बेटा, हमारे पास देखिए जो रो है 5.5 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब आपको बेटे मिल जाएगा अर्थ का डेंसिटी। और जैसे आपको मैंने बताया है, याद रखिएगा ये सिंपल डेंसिटी नहीं है, इट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ ये आपके पास बेटा निकल आता है। सो आई थिंक हमारा आज के लिए बेटे काफी है, सफिशिएंट है। आप इसके बेसिस पे जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स बेटे जरूर करके देखिएगा, सो दैट कि इन फ्यूचर हम इसको जब आगे चैप्टर को डिस्कस करें, स्पेशली द वेरिएशन ऑफ जी हाइट के साथ कैसे होता है,
डेप्थ के साथ कैसे होता है, पोल्स पे कैसे होता है, इक्वेटर पे कैसे होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ का क्या इफेक्ट है, तो उनको हम इसके बाद में स्टडी करने वाले हैं। सो उसके लिए ये बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्टली आपके सिलेबस में ये है भी बेटा। सो विद दिस ऑल बेटा, थैंक यू ऑल एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर यू फॉर योर रिजल्ट बेटा। थैंक यू ऑल बेटा।